नमस्कार छात्रों, तो हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक का दूसरा काव्य तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का बाल कांड। और बाल कांड का एक अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में पाठ परिचय लिखने के लिए और शब्दार्थ लिखने के लिए बोला था और याद करने के लिए भी बोला था। तो जिन बच्चों ने शब्दार्थ याद किया उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया वो अच्छे से शब्दार्थ याद करें, फिर अच्छे से इसको समझें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है ये, और इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। नाथ संबोधन भंजनी हारा, होई केव इक दास तुम्हारा। आय सुका है कही किन मोही, सुनी रिसाए बोली मुनि कोही। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करी करी लराई। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सैस भाऊ समसो रिपु मोरा। सो बिल गाई बिहाई समाजा, नै ते मारे जे ही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबू न आस असी रिस किनी गोसाई। ये ही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। भावार्थ देखिए इसका, कि शिव धनुष के तोड़े जाने से कुपित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही है। नाथ संबोधन भंज निहारा, संबोधनु का मतलब यहाँ पे शिव जी का धनुष है, भंज निहारा तोड़ने वाला, होई केव एक दास तुम्हारा, कि इसी शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई एक दास कि तुम्हारा कोई एक दास ही है। आयशु कहे कही किन मोही, और क्या आज्ञा है मेरे लिए कहिए। सुनी रिसाई बोली मुनि को ही, और ये बात सुन करके परशुराम जी को गुस्सा आ गया। सुनी रिसाई, गुस्सा सुन करके गुस्सा हो गए, बोले मुनि को ही, और मुनि है परशुराम जी, क्रोधित होकर के बोले। राम जी ने जब बोला कि आपका क्या आदेश है मुझे बताइए, यह सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध में भरकर बोले। क्या बोले? सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वह होता है, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवकाई यानी सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, परंतु यह कार्य तो शत्रु जैसा है, परंतु यह कार्य तो शत्रु जैसा हुआ है। ये तो लड़ाई का काम किया है, शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम है किया है जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस भाऊ सम सो रिपु मोरा, कि वह सहस भाऊ के समान मेरा शत्रु है। और आप लोगों ने अगर शब्द अर्थ याद किए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि सब यहाँ पे सहस भाऊ कौन है। सहस भाऊ कौन था? सहस भाऊ का नाम का एक राजा था जिसका परशुराम जी ने वध किया था। तो वह सहस भाऊ के समान मेरा शत्रु है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे परशुराम जी। जिस भी इंसान ने मेरा यहाँ पे शिव धनुष तोड़ा है वह सहस भाऊ के समान मेरा घोर शत्रु है। वह व्यक्ति, देखिए आगे, सो बिल गाई बिहाई समाजा, सो बिल गाई बिहाई समाजा, कि वह व्यक्ति इस समाज से अलग हो जाइए, यानी जो सभा बैठी है राजाओं की, वो अपने आप को अलग कर दीजिए, अलग होकर के मेरे सामने आ जाइए, कि वह व्यक्ति इन राजाओं से अलग होकर के मेरे सामने आ जाए। नहीं तो यहाँ पे न तमारे जे ही सब राजा, नहीं तो ये सारे राजा है ये मेरे हाथों से मारे जाएंगे। मुनि वचन सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और जो मुनि है परशुराम जी उनका वचन सुन करके लखन है वो मुस्कुरा रहे हैं। क्या बोले? परसु धरे अवमाने, अब लक्ष्मण है यहाँ पे, वो मुस्कुरा रहे हैं और
परशुराम के इन क्रोध युक्त वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और उनका निरादर करते हुए कहने लगे कि क्या कहने लगे कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कहू न असी रीस की नी गोसाई, कि हमने बचपन में बहुत सी ऐसी धनुषियां तोड़ी है। लरिकाई का मतलब यहाँ पे बचपन होता है, तोरी का मतलब तोड़ना, बहु धनु ही बहुत सारी धनुषियां, कि हमने बचपन में तो बहुत सारी धनुषियां तोड़ी हैं, और कबू न ऐसी रीस की नी गुस्साई, परंतु कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया किसी ने। और इस धनुष पर आपकी विशेष ममता देखिए, कि यही धनु पर ममता के ही हेतु कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता कैसे है, किस कारण से है। सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु, और जो भृगुकुल केतु यहाँ पे कहा गया है किसको, परशुराम जी को। तो परशुराम जी ये सुनकर के गुस्से में आ गए, लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर के। भृगुकुल वंश की ध्वजा के समान परशुराम जी है वो क्रोधित हो गए, यही धनु पर ममता के ही हेतु। ये व्यंग्य वचन यहाँ पे लक्ष्मण जी के है कि इस ही धनुष पर आपकी विशेष ममता कैसे है, किस कारण से है। सुनी रिसाहे कहे भृगुकुल केतु, और यह सुनकर के भृगुकुल वंश की ध्वजा के समान जो परशुराम जी है वो गुस्से में आग बबलू हो गए। रेन रिप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। आगे कह रहे हैं कि अरे राजकुमार, तू काल के वशीभूत हो है अभी, और तभी तू बोलते समय बिल्कुल भी ध्याने नहीं करता। रे नृप बालक काल बस बोलत ने तो ही न संभार, कि हे बालक, हे अरे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, तभी तुझे बोलते समय ध्यान नहीं कि तू क्या कह रहा है। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि तुमने इस त्रिपुरारी धनु शिव धनुष को जो सारा संसार जानता है, विदित है, प्रसिद्ध है सारे संसार में, उसको क्या धनुइयों के समान समझा है। रे बालक, अरे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर के बोल रहा है, जो तू अभी संभाल के काल के वशीभूत होकर के तू कुछ भी बोल रहा है, तो तू देख नहीं रहा, ध्यान से नहीं कह रहा कि तू क्या बोल रहा है। क्या तुमने सारे संसार में प्रसिद्ध शिव धनुष के बारे में नहीं सुना, जो तुमने धनुषियों के समान इसको माना है। तो देखिए, इसके जितने भी शब्दार्थ है आपको अच्छे से याद कर लेना है, और इस काव्य को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है ये हमारा तुलसीदास का। ठीक है, बोर्ड के लिए भी और जो स्कूल में एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है ये। और ये अगर किसी बच्चे को रामायण का ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दोबारा से नेट से सर्च करके सुनो उस चीज को, और देखो सारी 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 चीजें यही वहाँ बोली जा रही है, और यहाँ पे आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। अगर किसी ने नहीं देखा है रामायण का ये पार्ट, तो नेट से सर्च करके राम लक्ष्मण परशुराम का जो पार्ट है रामायण का वो अच्छे से देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक शब्द का अर्थ आपको मैंने भेजा हुआ है और समझा भी अच्छे से दिया, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।